जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अभी आपने एक्सरसाइज का रीकैप देखा और आपने कुछ आई होप फॉलो भी किया हो। जो मशीन जिसमें यूज़ हुई हैं वो मशीन आई एम श्योर आप लोगों के घरों में तो नहीं होंगी और जो लोग जिम नहीं करते उनके पास नहीं होंगी, बट वो उसको ऑल्टरनेट मीन्स निकाल सकते हैं, उसकी मूवमेंट्स को रेप्लीकेट कर सकते हैं ऑल्टरनेट मीन्स से। ज़रूरी नहीं कि वो मशीन ही आपके पास हो तो आप कर सकें। विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम हम किसी मशीन को इसमें इनकॉर्पोरेट ना करें ताकि आप लोग घर में आराम से एक्सरसाइज कर सकें। अच्छा जी, वक्त हो गया है किस चीज़ का? वक्त हो गया है जी हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं टिप की तरफ। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बहुत सारे लोगों के लिए। क्यों? बिकॉज हम लोग जब एक काम करने बैठते हैं तो राउंड राउंड की जो वो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कभी कभी हमारा काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता, और अगर हो भी पाता है तो वो या तो बहुत देर से होता है या उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से कैसे निकालें? अब हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन क्या है? ऑफिस में ही बैठे हो या घर में ही बैठे हो? घर में बैठे हो तो कभी कोई घर वाला अंदर आके कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। वन, तो मेनली जब हम काम ऑफिस में करते हैं तो ऑफिस की डिस्ट्रैक्शन की भी बात करते हैं। वहाँ पर सेल फोन एक डिस्ट्रैक्शन है, एक मैसेज पॉप अप कर रहा है, अ न्यू ईमेल, दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। इतनी सारे जो अपनी टेबल पे चीज़ें फैली हुई हैं और उनमें से आपको अपनी मतलब का काम करना है, दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन हैं। डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। एक बार हम अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को निकाल देंगे और हम लोग एक चीज़ पे फोकस हो जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब मैं डिस्ट्रैक्शन को निकालने का एक छोटा मोटा सा जो एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ। बाकी तो आप लोग को खुद भी कुछ कुछ आइडिया होगा ही और इसमें स्पेशलाइज तरीके भी होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके जो हैं उन पर बात करती हूँ। ट्रेन योर ब्रेन, सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर चाय को इस वक्त पीना है तो मेरी सराउंडिंग में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, चाहे कुछ भी हो रहा वह मैंने सिर्फ इस कप की तरफ देखना है। दूसरा, एक बहुत ही क्लियर मैसेज होता है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि वो आके आपको तंग ना करें, चाहे वो घर वाले हों चाहे वो ऑफिस कोलीग्स हों। हाँ, पेरेंट्स हो तो दैट्स डिफरेंट, बट इसके अलावा एंड स्पाउस हो तो दैट्स डिफरेंट एज वेल, इसके अलावा कोई और आके आपको तंग ना करें, इज टू पुट हेडफोन्स ऑन। जब आप हेडफोन्स लगा लेंगे चाहे आप उसमें कुछ ना भी सुन रहे हो, इट्स अ क्लियर मैसेज टू द अदर पर्सन कि इससे भी बात ना करो, ये कुछ काम कर रहा है। और ज़रूरी नहीं कि आप छोटे छोटे से वो एयरफोन्स की तरह लें, आप वो बड़े वाले हेडफोन्स भी ले सकते हैं जस्ट टू लेट द अदर पर्सन नो नॉट टू डिस्ट्रैक्ट यू एट द मोमेंट। तो आप जब वो लगा के काम करेंगे, एक तो आपको सराउंड की अराउंड सराउंड की आवाज़ कम आएगी, दूसरा कोई आपको आके डिस्टर्ब नहीं करेगा। वन टिप। दूसरी टिप, आप अपनी ईमेल चेक करने का जो है एक टाइम जो है वो उसको पर्टिकुलर रखें कि ये वाला टाइम है ईमेल चेक करने का, चाहे जितने मैसेजेस पॉपअप हों। अब वो मैसेजेस पॉपअप का जो नोटिफिकेशन इंडेक्स है तो वो आप बंद कर दें, वो चाहे आप ना खोलें वो आप बंद कर दें, क्योंकि दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। एवरी टाइम यू आर वर्किंग वो एक मैसेज आ रहा है कि अ न्यू ईमेल, उस चीज़ को आप बंद कर दें, अपनी नोटिफिकेशन अलार्म को आप बंद कर दीजिए। तो यू विल बी फीलिंग बेटर कि मुझे बार बार जाके नहीं चेक करना पड़ रहा, वो दो अलॉटेड टाइम है आपके, आप उसी वक्त चेक करेंगे। इन केस आपके ऑफिस में सारा काम ईमेल से होता है तो यू कैन लेट एवरीबडी नो कि दीज आर द पर्टिकुलर टाइम्स आई एम गोना चेक माय ईमेल। तो अगर आपने मुझे कोई मैसेज भेजना है तो इन पर्टिकुलर टाइमिंग्स के अंदर ही कीजिएगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे डाल दीजिए जब आप कोई काम कर रहे हों, क्योंकि अगर वो बजता रहेगा उसमें मैसेजेस आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आएंगी, कॉल्स आएंगी, दैट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे डाल दें एक दो घंटा जिस वक्त आप काम कर रहे हैं। हाँ, दैट डजंट मीन कि आप इंपॉर्टेंट कॉल्स उसके बीच में ना करें जो उस वक्त करने की हैं, लेकिन फजूल में हर मैसेज को पढ़ना, उसका रिप्लाई करना, जोक्स आ रहे हैं जी, फॉरवर्डेड मैसेजेस आ रहे हैं, ये सब फजूल की डिस्ट्रैक्शन है जी, गेट रिड ऑफ ऑल दैट। उसके बाद क्या है ऑफिस के लिए है जी, सबसे आखिरी टिप है ऑफिस के लिए, वो ये है कि लंच करने जो है आप ऑफिस में नहीं, ऑफिस से बाहर क्या कीजिए, अपनी टेबल पे कभी भी लंच नहीं करें। टेबल पे लंच करेंगे तो आपका माइंड 10 चीज़ों में एंगेज रहेगा, लंच भी इग्नोर रहेगा, वो भी होता रहेगा और 10 काम भी होते रहेंगे, और आपकी जो टाइमिंग है प्रोलॉन्ग होती रहेगी। इवन आफ्टर लंच आप उन कामों में लगे रहेंगे जो आपको उस वक्त नहीं करने थे। अच्छा जी, ये थी हमारी ट्रिप हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस पे। अब चलेंगे जी हम पोल के सवाल की तरफ। अच्छा जी,
आज का पोल का सवाल सुन के आप लोग परेशान होंगे, शायद मुझे बातें भी सुनाना शुरू कर दें, शायद कुछ लोग मेरी फेवर में भी जाएं, बट इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, इसको ज़्यादा पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यूज दे सकते हैं। हाँ, आप अपने बिलीफ की भी बात कर सकते हैं इफ़ यू आर कम्फर्टेबल अबाउट इट। कुछ लोग होते हैं कि मुंह पे कुछ और कह रहे होते हैं और अंदर खाने बिलीफ कुछ और कर रहे होते हैं, विच वी कॉल डबल स्टैंडर्ड। सो अगर आप उस पर बात करने में कम्फर्टेबल नहीं हैं तो आप जनरलाइज बात कर सकते हैं। और हमारा जो पोल का सवाल है वो ये है कि क्या तावीज़ धागों से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है, हाँ या नहीं? क्योंकि आजकल हर एक को हमने देखा है, किसी ने पाँव में, किसी ने हाथ में, किसी ने गले में तावीज़ पहने हुए, किसी ने कई तावीज़ पहने हुए, तो क्या इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है? किन लोगों से बनवा रहे हैं, कौन है रेलेवेंट लोग, कौन बना के दे रहा है, क्या है इनका बैकग्राउंड, यू नो अंडरस्टैंडिंग की बात है, खुदा पे बिलीफ की बात है, तो आप इसका आंसर देंगे हमें। लेकिन पहले हमने ये आंसर कुछ लोगों से लिया है, तो पहले चल के उनका आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही है, मेरा तो बिलीव नहीं है इन चीज़ों में, मेरे ख्याल में तो सही है। तावीज़ से मेरा ना ख्याल कि कभी किसी पर फ़र्क पड़ना चाहिए, डिपेंड करता है तावीज़ पे, वो आपके फेथ पे डिपेंड करता है। अगर अल्लाह पे यकीन है तो फिर तावीज़ की क्या ज़रूरत है? ये अपने बिलीफ पे है भाई, कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ नहीं करते हैं। माईसेल्फ मैं तो करता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं यूज़ नहीं करता, पता नहीं भाई, बाकी नहीं पता मैं। हाँ, तावीज़ से नहीं, तावीज़ वगैरह नहीं, वैसे सिर्फ अल्लाह के लिए जो भी कलाम है वो पढ़ना चाहिए, उसी पे हमारा फेथ होना चाहिए। ये सब जारी पीरों का है, ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, हम अल्लाह ही से मांगते हैं, अल्लाह है कि अल्लाह के सिवा कोई मामूद नहीं। अगर आपका किसी इवन नेगेटिव चीज़ पर बिलीफ है तो तावीज़ से आप पर फ़र्क पड़ सकता है। अगर आपके ख्याल में तावीज़ कोई पॉजिटिव क्वालिटी है तो सम टाइम इट्स योर इंटरनल फोर्स जो कि जिससे उस पर फ़र्क जो है वो पड़ सकता है, ओरिजिनली फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं, हमने कभी ट्राई नहीं किया कभी तावीज़ से। ये तो सर कागज़ हैं, वो बातें हैं, इल्मी बातें हैं, तो इसका तो हमें इतना आइडिया नहीं है। वैसे ये कि सुना है, हाँ वाकई फ़र्क तो पड़ता है। जी वैसे अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ सुने, कुछ ने कहा फ़र्क पड़ता है, कुछ ने कहा जाली पीरों फ़कीरों की बात है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा पे यकीन सब कुछ होता है, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, ये आप लोग बताएंगे जी। आप लोग हमें ईमेल करके बताएंगे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी बताएंगे और फ़ोन करके भी बताएंगे जी, क्योंकि जब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो जाएंगे विच इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेगमेंट इंशाल्लाह, तो तब हम इस पर डेफिनेटली बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, आज बड़ी इंटरेस्टिंग मज़े की बातें करने वाले हम लोग, स्टे ट्यून्ड।